अनैतिकता अधार्मिकता से लोगों को मन भरा हुआ है। आपके पाप के कठिनाई के लिए पश्चाताप करो, पश्चाताप करो। क्या आप यीशु को जानते हैं? जब आप उनके सामने खड़े होंगे आप क्या कहेंगे? जादू टोना, तंत्र मंत्र, झूठा धर्म और व्यभिचार के लिए पश्चाताप करो। बहुत देर होने से पहले पश्चाताप कीजिए। क्या आप यीशु को जानते हैं? हम सिर्फ आपकी आत्माओं से बताते हैं। हम ऐसी नहीं चाहते हैं कि आप नाश हो जाएं। क्या आप सड़कों को देखते हैं? वे सब खाली है। परमेश्वर के हाथ को देखिए। जब तुम सोए हो इसे तुम्हें जगाने दो। तुम अंधेरे में चल रहे हो। अंधों अंधों को मौत दिखाता है। बाइबल कहती है कि अगर हम ऐसे करते हैं तो हम गड्ढे में गिर जाएंगे। हमें जागना जरूरी है। मैं यह नहीं चाहता हूँ कि तुम नाश हो जाए। केवल परमेश्वर ही इन सड़कों को खाली कर सकते हैं। जितना नेचुरल डिजास्टर हो चुका है उसको याद कीजिए। पहले क्या हुआ था उसको याद कीजिए। जो गलतियां हम किए उन्हें छोड़ना चाहिए। नूह के समय क्या हुआ है? बाढ़ आई, बारिश हुई, गहराई के पानी ऊपर आके बह गया। नूह के परिवार के छोड़ के हर आदमी और हर जीव जंतु मर गए। न्याय भूमि पर आ रहा है। हाँ, न्याय के दिन आने वाला है। अग्नि से पृथ्वी जल जाएगी। परमेश्वर एक नया स्वर्ग और एक नई पृथ्वी बनाने जा रहा है। जो उन पर विश्वास नहीं करते हैं, वे अनंत काल तक परमेश्वर के साथ रहना को प्राप्त नहीं करेंगे। हमें पश्चाताप करना चाहिए। हमें प्रभु की तलाश करनी चाहिए। जब वह पास होने पर उसे बुलाओ। पाप करने वालों अपना पाप का मार्ग को त्याग करना चाहिए। अधर्मी मनुष्य को प्रभु की ओर मुड़ने दो। प्रभु की दया आने दो। परमेश्वर दया बहुतायत से करेंगे। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरा और तुम्हारा सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंदर है। खूबसूरत जगहों को देखिए। कब आप सड़कों को खाली देखे? क्या आप हवा में तनाव महसूस करते हैं? यह कोरोना वायरस से भरा है, लेकिन फिर भी आप सच्चा परमेश्वर से नहीं डरते, जिसने आपकी आत्मा को अनंत नरक में डाल सकते हैं। हमारी आत्मा नाश होने वाला नहीं है। क्या आप अनंत काल के लिए परमेश्वर के साथ रहने वाला है या नरक में जीवन बिताने जा रहा है? नरक में जिंदगी खत्म नहीं होते। जैसे जले और ऊपर आएगा ऐसा मत सोचिए। हमारा जीवन मरने से खत्म नहीं होता है, लेकिन आपको हर एक किया हुआ पाप के लेखा जोखा आपसे लिया जाएगा। परमेश्वर के सामने आपको खड़ा होना अवश्य है। अच्छी खबर यह है कि परमेश्वर ने अपना एकलौते पुत्र को आपके लिए मरने के लिए बेच दिया। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह क्रूस पर अपना जीवन कुर्बान कर दिया। उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगा हो गया। हम सब पापी है, ऐसे इस दुनिया में पैदा हुआ है, लेकिन यीशु के मृत्यु से हमें पिता परमेश्वर से और अनंत जीवन के वायदा के साथ मेल मिलाप हुआ है। हम परमेश्वर के साथ अनंत संगति रख सकते हैं और आप इसे नहीं कमा सकता है। पाप के मजदूरी मृत्यु है। परमेश्वर के नजर में आपका जीवन अच्छा योग्य नहीं है। जब कोई रास्ता नहीं है तब यीशु हमें रास्ता दिखाता है। उसका लहू आपके पापों के लिए चुकाता है। उसका खून और उसका बलिदान के माध्यम से और उसकी कृपा से तुम परमेश्वर के साथ अनंत जीवन पा सकते हो। आपके लिए शराब का स्वाद अच्छा है। अन्य महिलाएं बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आप शराब के बोतल के लास्ट ड्रॉप पीने से भी आप शांति महसूस नहीं कर सकते हैं। सड़कों पर देखिए, हमारे दिल कठोर हो जाते हैं। लोग पश्चाताप कीजिए। यह जागने का अवसर है। नींद से जागने के लिए जागने का अवसर है, ताकि आप आनंद जीवन पा सके। शहरों जादू टोना और व्यभिचार के लिए जाना जाता है। जागो, तुम्हारे जीवन के श्रापों को तोड़ने के लिए यीशु के नाम में शक्ति है। देखिए, हम हर जगह में क्रोध, हत्या, बलात्कार के देखते हैं। जागते रहो,
यीशु से प्यार कीजिए, उसी से प्रार्थना कीजिए। वह एक चट्टान है जिस पर हम खड़े हैं। उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगा हो गया। पश्चाताप करो, अब अपनी नींद से जागने का समय है। देर हो चुकी है भाई और बहनों, सुसमाचार पर विश्वास करो और उद्धार पाओ। दिल में विश्वास करके अपने मुंह से कबूल कीजिए कि यीशु तुम्हारा प्रभु है और आप आनंद जीवन पाएगा।